व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक रीसेंट अपडेट को लेके। तो गाइज आपको तो पता लग ही गया होगा कि गवर्नमेंट ने जो है ना वो 118 ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया है। गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया में 118 ऐप्स को बैन कर दिया है। अब यहाँ पर गाइज 118 ऐप्स जो बैन हुई है, टेंशन उस बात की नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को टेंशन इस बात की है कि उसमें पबजी मोबाइल भी जो है ना वो भी बैन हो गया है। अब यहाँ पर गाइज देखने वाली बात तो है ही, ठीक ही है, मतलब पबजी मोबाइल जो है ना वो बैन हो गया है और बहुत से यूज़र्स थे इंडिया में पबजी के, साथ में बहुत से स्ट्रीमिंग्स भी होती थी पबजी से रिलेटेड, तो काफ़ी सारी चीज़ों का जो ना दोस्तों हो सकता है यूज़र को नुकसान हो। वैसे अभी अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो अभी तो फिलहाल गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पबजी जो है ना वो लिस्ट में आ रहा है, मतलब फाइंड आउट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जल्दी जो है ना वो लिस्ट में से पबजी को हटा दिया जाए इंडिया में। अब गाइस यहाँ पर देखिए एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं कि एक्चुअली में इंडिया में 118 ऐप्स को इंडिया ने बैन क्यों किया है। इससे पहले दोस्तों 57 ऐप्स को जो है ना वो इंडिया ने बैन किया था, आपको तो पता ही होगा, उसमें टिकटॉक नंबर 1 पे था, उसमें पबजी नहीं था। और वो टाइम पे एक्चुअली में बात हो रही थी कि भाई पबजी बैन, लेकिन एक्चुअली में उस लिस्ट में पबजी अवेलेबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फाइनली इंडिया ने जो ना ये स्टेप लिया और पबजी को बैन किया। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन ऐप्स को इंडिया में बैन क्यों किया गया। तो गाइस मिनिस्ट्री के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो ऐप्स थी वो एक तरीके से इंडियन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन चुकी थी। साथ में गाइस मिनिस्ट्री की तरफ जो है ना वो बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी इन ऐप्स को लेके कि ये ऐप्स जो है वो यूज़र्स का डेटा स्टील करती हैं, उसको चुराती है और उसके बाद में इंडिया से बाहर की कोई लोकेशन है उसके सर्वर के ऊपर जो है ना ये डेटा को सेंड करती है। अब यहाँ पर देखिए गाइस बात आ जाती है इंडियन डिफेंस के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि गाइस यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी कि ये जो ऐप्स थी वो यूज़र का डेटा अनऑथराइजली, मतलब ऑथराइज भी नहीं था ऑब्वियसली उनको, और वो इंडिया से हट के दूसरी लोकेशन के ऊपर सर्वर पर सेंड करती थी। अब इससे दोस्तों क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं पर इंडियन डिफेंस को जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरा था और साथ ही में नेशनल सिक्योरिटी को तो बहुत ज़्यादा खतरा था। और ऑब्वियसली दोस्तों वो बात तो होनी ही है, क्योंकि देखिए एक बार जब इंडियन डिफेंस को खतरा होगा तो नेशनल सिक्योरिटी तो ऑटोमेटिकली खतरे में आ जाएगी। मतलब हमारे लिए तो खाली एक ऐप है, एक छोटी सी ऐप है जिसको हम मज़े से यूज़ करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उस ऐप में क्या क्या चल रहा है दोस्तों उसके बारे में हमें नहीं पता होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जिनको ऐसा कहा जाएगा कि भाई आप जो ये एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का बहुत ज़बरदस्त खतरा है, इसमें जो है ना वो आपकी डिटेल्स लीक होने का और आपके पर्सनल डेटा ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जनरली गाइस जो लोग होते हैं, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो तो ऑब्वियसली डर जाते हैं तो ऑब्वियसली उसको अनइंस्टॉल कर देंगे और जो भी प्रिकॉशन से वो लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हमको कुछ परवाह नहीं है, हमारा कोई भी डेटा कहीं भी चला जाए, हम तो वैसे भी इतना कुछ खास थोड़ी ऐसा वैसा, मतलब सारी रीज़न देते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर जब बात आ जाती है इंडियन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की, तो गाइस वो हमारी भी जो है ना वो परवाह बन जाती है। भले ही हमको अपने डेटा की परवाह नहीं है, लेकिन जब बात आ जाती है इंडियन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की तो हमें ऑब्वियसली ये स्टेप्स जो है ना वो लेने हैं। इसलिए गाइस अगर बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशंस जो है ना वो डेटा स्टील कर रही थी और उसके बाद में इंडियन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को इतना खतरा था, तो सही किया गया है जो एप्लीकेशंस को इस वक्त बैन किया गया है। यहाँ पर गाइस मैं आपको एक और चीज़ ये बता देता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री के पास में बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी गई है जो आम पब्लिक की कंप्लेंट्स थी, और ज़्यादातर आम पब्लिक की कंप्लेंट्स ने ये कहा था, मतलब उन कंप्लेंट्स में ये लिखा हुआ था कि जल्द से जल्द जो है ना वो इन ऐप्स को बैन किया जाए। तो यहाँ पर गाइस ऑब्वियसली आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो है ना वो इंडिया में है इस वक्त पबजी के, लेकिन उसके बावजूद भी आम पब्लिक की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट गई थी और उसके ऊपर भी जो है ना दोस्तों इस तरीके से एक्शन लिया गया है। तो गाइस ये तो देखिए एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको टेक्निकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि भाई पबजी को क्यों बैन किया गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पबजी को क्यों बैन किया गया। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप डिटेल में जा सकते हो। इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता था। यहाँ पर गाइस देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको मैं पर्पसली वीडियो को लाइक करने नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जो ना यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक स्टेटमेंट ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंडियन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स से इस वीडियो में पता लग जाएगा। आप समझदार हो, ऑब्वियसली समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि कोई भी मोबाइल के लॉन्च होने से पहले आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर रखिए। हमने बहुत सारे मोबाइल्स के ऊपर जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे तरीके से लॉन्च होने से पहले, तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। साथ ही में प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में।
जय हिंद।